स्क्रीन पर ये सामान्य सी दिखने वाली दो तस्वीरों ने देश को एक बड़ा मैसेज दे दिया है। वो बड़ा मैसेज क्या है, आज उसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश न्यूज। ये तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं है, संदेश है उन दो बड़े नेताओं का उन लोगों के लिए जो गाय को एक पशु नहीं बल्कि माँ समझते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी योगी की ये जोड़ी गाय के लिए कुछ बड़ा करने वाली है और कुछ ऐतिहासिक करने वाली है, और ये तस्वीरें उस बात की गवाही हैं। गवाही है आने वाले समय में होने वाले बड़े बदलाव की, और वो बदलाव है देश के राष्ट्रीय पशु के नाम के बदलाव की। देश में एक बड़ी संख्या में लोग, खासतौर पर सनातन को मानने वाले लोग, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग करते हैं, और ये दो तस्वीरें शायद इस बदलाव की कहानी को बयां कर रही हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय राजनीति में अहम और बड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं, और इसके कई प्रमाण आप देख चुके हैं। गायों के प्रति ये कोई पहली तस्वीर नहीं है जिसमें मोदी और योगी को इतने मातृत्व भाव से गाय के साथ देखा गया हो, और लगातार आ रही इन तस्वीरों को देखकर भविष्य में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने वाले निर्णय को हम दरकिनार नहीं कर सकते। सीएम योगी पूरे देश में गौ सेवा का संदेश देते हैं और उनके कल्याण हेतु समय समय पर तरह तरह के अहम फैसले भी लेते हैं, और वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री मानवता से जुड़ी किसी भी बात को बताने से पहले वो स्वयं उसको करते हैं और एक संदेश देते हैं। स्वच्छ भारत मिशन आपको याद होगा, स्वच्छ भारत मिशन उसी का एक प्रमाण है, जहां स्वयं नरेंद्र मोदी कई बार हमें सफाई करते हुए दिखे, कभी झाड़ू लगाते हुए तो कभी समुद्र के किनारे पड़े हुए कचरे को बटोरते हुए। और गायों के प्रति प्रेम इस बात का संदेश दे रहा है कि आने वाले समय में जो देश में एक मांग उठती है कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जाए, उस पर भी अमल किया जा सकता है। योगी का आप ये वीडियो देखिए। अरे रे रे रे, अपने माई की याद आ रही होगी, अरे जिसमें वो गाय से कह रहे हैं, अरे अरे तुम्हें माई की याद आ रही है ना। ये शब्द न सिर्फ योगी की गौ माता के प्रति मातृत्व भावना को दिखाते हैं बल्कि उनकी विचारधारा गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाने की झलकियां भी देती हैं। ये तस्वीर गोरखपुर की है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुंगनूर बछिया और बछड़े की जोड़ी को अपने हाथों से गुड़ खिलाया और फिर उनसे बातें करने लगते हैं जैसे कोई किसी बच्चे से बात करता है, प्रेम में बात करता है। ऐसे ही देश के प्रधानमंत्री को भी हमने कई बार देखा कि वो उन्हें घास खिलाते हुए दिखते हैं, उनसे गले लगते हुए दिखते हैं। देश के दो बड़े नेताओं का गौ माता के लिए प्रेम गौ प्रेमियों गौ रक्षकों को सुखद अनुभव दे रहा है, और आने वाले समय में सनातन धर्म की ओर से गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग को भी मजबूती दे रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या योगी और मोदी का गौ माता के लिए स्नेह आने वाले समय में भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम बदलने में एक अहम भूमिका निभाएगा, और क्या गाय देश का राष्ट्रीय पशु बनेगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।